एक तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि के लिए चंदे शब्द का उपयोग न करें हम, क्योंकि हम उनसे बड़े नहीं हैं। तो ये निधि समर्पण अभियान है और ये 15 जनवरी से प्रारंभ होकर के 5 फरवरी तक चलेगा। केंद्र का आग्रह 27 फरवरी तक का है, पर मालवा प्रांत में हम इसको प्रयास कर रहे हैं कि 5 फरवरी तक समापन हो। और ये प्रत्येक गांव, मोहल्ले और प्रत्येक हिंदू परिवारों तक पहुंचने का इसमें लक्ष्य रखा है। जैसा कि मालवा प्रांत में हमारी लगभग 22,000 टोलियाँ इस काम के लिए बनी हैं, जो ग्राम, मोहल्ले और हर बस्ती में जाएगी। 2.25 करोड़ जनसंख्या है, 1.5 करोड़ तक पहुंचने का, यानी 40 लाख परिवार बनते हैं, 40 लाख परिवारों तक ही संपर्क करेंगे। 10 रुपये का कूपन, 100 रुपये का कूपन, 1,000 रुपये का कूपन, उससे ऊपर यदि है तो निरंक रसीद है। और ऐसा समस्त राम भक्तों से आग्रह है कि इसके संपर्क के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान की समिति बनी है, वो सब परिवारों में जाएगी। सब परिवारों से ऐसी अपेक्षा है कि जिनसे जैसा समर्पण बन सके वो समर्पण करें, ऐसा आग्रह है। मैं सर, राजनीति भी अब इसमें शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं सवाल करने लगी है विपक्षी पार्टियां, उस पर क्या आपका? राजनीति तो मुझे प्रसन्नता भी हो रही है। देखिए, राम का काज है। 5 अगस्त को जब राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हुआ था, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि ये भूमि पूजन हो रहा है, इसके उत्साह में हम भी हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। तो ये तो आग्रह, तो मुझे लगता है कि ये श्रेय लेने का विषय है। हजारों वर्षों से जो संघर्ष चल रहा है, उसमें तो वो राजनीति में कुछ वोटों को अपनी ओर रखने के लिए सामने नहीं आना चाहते थे, पीछे तो उन सबका भी मन है और उनको ऐसा लगता है। तो जो कांग्रेस और जो प्रशासन आगे बात कर रही है, आना चाहिए ना, सोमनाथ का भी मंदिर, काशी विश्वनाथ का भी मंदिर बनना था, मथुरा की बात करें ना, वो ये राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी बात करना चाहिए, आगे भी आना चाहिए, उसमें उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। भगवान राम सबके हैं, इसको कांग्रेस बीजेपी भी ना बांटते हुए उनको कितना समर्पण कर सकते वो करना चाहिए, कितनी पारदर्शिता इसकी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं राम जन्मभूमि न्यास, वो उनको पता ही नहीं है राम जन्मभूमि न्यास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में विलय कर दिया गया, एक एक पाई पाई का हिसाब करके ऑडिट करा करके। तो जिनकी श्रद्धा है वो करेंगे, और जिसको केवल राजनीति करना है उनको तो हम नहीं रोक सकते, वो करेंगे। राम जी अपना काम करा रहे हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता, और भव्य मंदिर बनेगा। और इतनी श्रद्धा आ रही है कि वो जो जिनको करना है उनके नेगेटिव प्रचार करने से राम का काज बढ़ेगा, घटेगा नहीं।